बच्चे सो गए हैं। अभी नहीं सुमित, बर्तन कौन साफ करेगा? कल बाई कर लेगी। सुमित, अभी साफ करूंगी तो चिकनाई नहीं जमेगी। मुझे भी तो कुछ जमाने दो। कुछ जमा नहीं। अबे रुक 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 थुल्ले, अबे कहाँ गुस्सा आ रहा है? अरे ये हो क्या रहा है माया? ये ठुल्ला मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने की कोशिश कर रहा है। ठुल्ला नहीं, सब इंस्पेक्टर। पापा जी लाइसेंस दीजिए। नहीं दूंगा लाइसेंस, ये दूंगा 20 का किराया नोट, चाहिए तो बोल। पापा जी मैं वैसा पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। हाँ तभी तो बगैर किराया दिए बाप के घर में रह रहे। किराए पे मत जाइए। हुआ क्या है? होना क्या है? पापा जी ने अपनी गाड़ी से पुलिस की गाड़ी ठोक दी। अरे गेट से ऐसे रिवर्स गियर में निकले जैसे पता नहीं कौन सा प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। ये तो ऐसे कह रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया। अबे भोनू जरा सी खरोंच आई है, बम्पर हाथ में आ गया, दरवाजा अभी तक जाम है और खड़क सिंह अभी तक खड़क रहा है। पापा जी उसी ने गलत जगह पे गाड़ी लगाई थी। आपका मतलब सड़क पे जहाँ सब लोग अपनी गाड़ी लगाते हैं। लाइसेंस दीजिए। लिखने रिपोर्ट, लेकिन रिपोर्ट लिखने से पहले ये सोच लियो कि उसके बाद मेरे घर में तेरा बिस्तर नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड? समझा दे ठुल्ले को। भाई घर में एक्स्ट्रा कंबल है क्या? वो सोफे पे ठंड ज्यादा लगती है ना। जिस दिन पापा जी जेल जाएंगे ना उस दिन तो मैं काम से छुट्टी लूंगा। पापा जी जेल नहीं जाएंगे बोलू, मैं बस उन्हें वार्निंग देके छोड़ दूंगा। यही तो मौका है, बदला सुनू बदला, हर एक जुर्म का बदला। अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता मोनू। याद कर झूठ बोला तो करेला खाओ, होमवर्क नहीं किया तो 2 हफ्ते तक करेला खाओ, प्लेट में जितनी सब्जी छोड़ी उतना करेला खाओ और जितना करेला छोड़ा उतना और करेला खाओ। यही मौका है, तेरा खून इंसाफ मांग रहा है और तू सुन नहीं रहा सोनू। रजनीश भैया। अरे वाह मजा आ गया। अरे ये क्या, मेरा फेवरेट पिंक कलर वाला तकिया कहाँ पर है? अच्छा ठीक है मैं लेके आता हूँ। अच्छा सुमित आज से मैं बच्चों को पापा जी की गाड़ी में नहीं भेजूंगी। क्यों, कोई दूसरा वेला मिल गया क्या? मुझे उनकी ड्राइविंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं, बहुत ज्यादा रैश चलाते हैं। लेकिन माया हम ये बात पापा जी से जाके कैसे कहेंगे? सॉरी पापा जी आप बहुत ही खतरनाक ड्राइवर हो, आपको देख के तो पूरी DTC कांपती है। बिल्कुल ऐसे ही कहना है। और उनसे ये भी कहना कि ड्राइविंग करते वक्त इतनी गालियां ना दे। अरे अभी थोड़ी सी गालियां सीख लेगा तो क्या प्रॉब्लम है, उल्टा प्ले स्कूल में उसका रॉब रहेगा। सुमित तुम ना कुछ मत कहो, पूरे परिवार में कोई पापा जी से कुछ कहना चाहता ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ कम से कम भैया ने उनके खिलाफ रिपोर्ट तो लिखी। रिपोर्ट नहीं सिर्फ वार्निंग। ओए इस घर में ना रहना है मुझे आखिर। लो डरपोक। तू बड़ा वीर बहादुर है ना, तू डरपोक। तू किसे डरपोक कह रहा है? सुमित वालिया को। ये मेरा घर है याद रखना। ओए नाम नहीं हुआ तेरे घर। तू नीचे रहता है, नीचे जाके सुमित भैया ने पापा जी को वार्निंग तो दी, अगर तुम सचमुच वीर बहादुर हो तो पापा जी से कुछ कहने की हिम्मत रखो। हाँ कह दे। हमारे बच्चों की सेफ्टी का मामला है सुमित। यार मैं जानता हूँ पापा जी इतना बुरा ड्राइव नहीं करते हैं, मुझे तो लगता है इस ठुल्ले ने गाड़ी को ठोका होगा। हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। करेला लाओ, कहाँ करेला, खिला दो मुझे, ठूस दे मेरा मुंह करेले से। करेला करेला कहाँ है, करेला दे मुझे। मुकाबले में ला खड़ा करती हुई बैटिंग पर्पल के ओवर्स की अब शुरुआत हो जाएगी। पारी का 36 ओवरों के बाद भारत का स्कोर। मैं फोल्ड कर रहा था, तुम होल्ड कर रहे थे। चलो चलो मेरे साथ बॉल, किसको जाना है? मुझे। तो चलो बेटा गाड़ी में बैठो, लेकिन सुनो पहले अपने पापा से पैसे ले लो क्योंकि मैं तुम्हारे पापा का बाप हूँ, बैंक नहीं हूँ। पापा
पापा जी आप ड्राइव कर रहे हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो आलिया का होमवर्क बाकी है। बेटा, इस होम में किसी का वर्क बाकी है ना तो तेरा है। आलिया को क्यों रोक रही है? माया बेटा, वैसे भी हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, फिर करा लियो होमवर्क। चल आलिया बेटा, गाड़ी की तरफ रेस लगाते, आ जा। रेडी, 1, 2। चीटिंग, चीटिंग, चीटिंग। आलिया को चीटिंग। एक मिनट, सुमित, तुम भी इनके साथ चलो ना, बहुत मजा आएगा। मैच देखने दोगे तो और मजा आएगा। सुमित, तुम इन्हें अपनी गाड़ी में ले जाओ, पापा जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना। अरे नहीं नहीं माया, मेरी शन्नो को कुछ नहीं हुआ है, वो भी मेरी तरह है, रफ एंड टफ। देखा माया, सब ठीक तो है। डॉली, किचन से बाहर आ जा। कमाल है, पहली बार में किचन से बाहर बुला रहे हैं उसको, नहीं तो। डॉली, आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? अबे सुमित, सुमित, तुम कुछ बोलोगे? हाँ बोलूंगा। आप लोग जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। मैच मिस हो रहा है, चिप्स का है। चलो 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 चलो, एक सेकंड, मैं भी चलूंगी। तू? फिर ये होमवर्क कौन करेगा बेटा? माया बेटा, नहीं वो थोड़ा जरूरी काम है ना मॉल में। सुमित, सुमित, तुम्हें पापा जी से कुछ बात करनी थी ना। क्या प्रॉब्लम हो गई यार? वो हमारे बच्चों को हैप्पी जोन ले जाएंगे और उनके बच्चे यहाँ हैप्पी जोन मनाएंगे। ठीक, मैं पापा जी से बात करती हूँ। नहीं 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 नहीं, क्यों एटम बम फोड़ रही हो? अरे जल्दी चलो। माया, तुम मम्मी जी और बच्चों को एक गाड़ी में लेके जाओ, मैं पापा जी के साथ आता हूँ। ओके। अबे तू भी साथ में आ रहा है? हैप्पी जोन, हैप्पी जोन। इतनी देर कैसे लग गई? माया, नहीं नहीं, वो ट्रैफिक में फंस गए थे। ट्रैफिक नहीं पापा जी, शादी की बारात थी। भाई यार जलील, एक से एक थे बारात में। पापा जी की अच्छी खासी जान पहचान होगी बारातियों से। है? वो कैसे? बारात रोड के किनारे से जा रही थी, पापा जी ने अचानक घोड़ी के सामने से कट मारा, घोड़ी ने बिदक के दूल्हे को रोड पे पटक दिया। यू आर एब्सोल्युटली राइट माया, बच्चों को पापा जी के साथ गाड़ी में नहीं भेज सकते। पापा जी को गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए। अबे क्या घुसर पुसर कर रहे हो, जरा हमको भी तो कुछ पता चले। आपके बारे में बात कर रहे थे पापा जी, आपकी ड्राइविंग देख के मैं हिल गया। आप तो बारात की शव यात्रा बनाने पे तुले हुए थे। अबे मोनू, घोड़ी से दूल्हा गिरा था, तू क्यों हिल गया? एक तो गलती आपकी थी और ऊपर से कितनी धौंस जमा रहे थे। ये तो इनका पेशा है। Happy to meet you, the Jasbir Walia, बोलो। पापा जी, आज से हमारे बच्चे आपकी गाड़ी में नहीं जाएं। माया बिल्कुल सही कह रही थी। माया? वो पापा जी, आपकी ड्राइविंग थोड़ी रैश है, बच्चों की सेफ्टी का मामला है ना, तो। मैं बच्चों का दादा हूँ, मुझे उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं है क्या? तुम मेरे को बच्चों से अलग कर रहे हो? ये फैसला किया कैसे, कब? जब से आपने 5 सिग्नल तोड़े और वो दूल्हे की कमर और पता नहीं कितने सारे पुर्जे। मुझे तो इस बात पे ताज्जुब हो रहा है कि इनका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे हुआ। किसने कहा है कि रिन्यू हुआ है? आप एक्सपायर्ड लाइसेंस पे चला रहे हैं? हाँ। ये देखो कितनी अच्छी तस्वीर है, देखो, तूने देखी है ना? अरे वाह, क्या फेस का कट है, एकदम यंग डैशिंग हैंडसम लग रहा हूं। देख, दिखाइए। कॉलेज से यही इस्तेमाल कर रहे हैं आप? हाय, जब तक तुम नया लाइसेंस नहीं लोगे ना, मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठने वाली। प्रॉमिस, फिर तो कभी नहीं लूंगा। पापा जी, आप पहले ड्राइविंग टेस्ट देंगे, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे। हाँ। वरना
वरना मैं आपको ये चाबी नहीं देने वाला। सॉरी, मैं नहीं देने वाला। मरू, मरू, चाबी दे, मेरी चाबी दे। डॉली, ये लो, लाओ, ये लो। हाथ ही काट दिए तूने मेरे, अब पैदल जाऊंगा घर। अरे पापा जी, सुबह के 7 बज रहे हैं, शोर क्यों मचा रहे हो? अबे मोनू जल्दी कर, देर हो रही है यार। अबे बंद कर बे। अबे चुप बे साले नेबर। अबे एक बार और बजाए ना तो आके गाड़ दूंगा। ओए, तू तेरा संभाल, ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। जाना कहाँ है आपने? आरटीओ, आज मेरा ड्राइविंग टेस्ट है। ड्राइविंग टेस्ट? ये कुआं खुद चल के प्यासे ऊंट के नीचे वाले पहाड़ तक कैसे पहुंच गया? अबे मोनू, बच्चों को हैप्पी जोन लेके जाना, गाड़ी में घुमाना, कुल्फी फलूदा खिलाना, यही सब तो मेरा हैप्पी टाइम है। अब भाई उसके लिए लाइसेंस चाहिए तो ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट दे देंगे, लाइसेंस ले लेंगे। ये हुई ना बात। चलिए मैं ना कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ, कुछ फुल टांग का पहन के आइए। पापा जी आप रोड पे ध्यान दीजिए और मिरर को एडजस्ट कीजिए। अरे मेरा तो बुला ही नहीं। और सीधे बैठिए, सीधे बैठिए, और स्टीयरिंग पे दोनों हाथ, दोनों हाथ पापा जी। अरे पापा जी, पापा जी, टर्निंग द सिग्नल, सिग्नल कीप द कूल। ड्राइविंग टेस्ट पे ये सब पूछते हैं। सॉरी बेटा, अभी सिग्नल देता हूं। अबे खुश। और दो सिग्नल। मोनू तू मुझे गाड़ी चलाना मत सिखा, बाप हूं मैं तेरा, 40 साल से गाड़ी चला रहा हूं। मुझे लगता है आपको ना ड्राइविंग से भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अबे मोनू, आजकल की गाड़ियां चलाने से तो अच्छा है कि रिटायरमेंट ही ले लो। अबे हमारे जमाने में गाड़ी गाड़ी हुआ करती थी, गाड़ी चलाने में है ना लाइसेंस नहीं दम लगता था। आजकल की गाड़ियां ट्यू 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 करो दरवाजा खुल जाता है, बटन दबाओ कुर्सी आगे पीछे कर लो, बटन दबाओ कांच ऊपर चढ़ा लो, बटन दबाओ कांच नीचे उतार लो। हमारे जमाने में कांच चढ़ाने और उतारने में हाथों की कसरत हुआ करती थी। पापा जी संभालो। चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे पापा जी आप उसे मार देते। अबे मैंने उसे देख लिया था। तो रोका क्यों नहीं? थोड़ा लेट हो गया, पता नहीं क्यों। पापा जी क्योंकि हरी पत्ती हो गई है। चलिए चलिए। हाँ जरा इसको सिग्नल दे दूँ। हाँ अबे ओए करीम, क्या पोपो किए जा रहे हैं? हैं देख लिया? सुमित क्या हुआ? आरटीओ ने हमारी सुन ली, पापा जी का लाइसेंस कैंसिल, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। पप्पू पास हो गया। क्या? पापा जी वो पास हो गए। उन्हें नया लाइसेंस मिल गया? नए फोटो के साथ। गॉड, यही तो प्रॉब्लम है इस देश की, लाइसेंस भी ऐसे ही मिल जाते हैं। कितनी घुस दी पापा जी ने? एक पैसा भी नहीं, फिर भी पता नहीं कैसे। ए, हेलो सुमित, तुम लेट रहे हो, उठो, हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या? उन्हें तुक्के में लाइसेंस मिल गया तो क्या? मेरे बच्चे उनके गाड़ी में नहीं बैठ सकते। उन्हें तुक्के में लाइसेंस मिल गया तो क्या? मेरे बच्चे उनके गाड़ी में नहीं बैठ सकते। तो फिर हमारे पास सिर्फ दो ही उपाय हैं, या तो हम गाड़ी भेज दें या बच्चों को बोर्डिंग भेज दें। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? आई एम सीरियस सुमित। माया मैं भी सीरियस हूँ, पता नहीं आज पापा जी के साथ गाड़ी में बैठ के ऐसा लगा कि पापा जी को कुछ हो गया है,
वो पहले ऐसे गाड़ी नहीं चलाते थे। सुमित, उनकी उम्र भी तो हो रही है ना। लेकिन इतना बदलाव कब कैसे? यू नो व्हाट सुमित, अक्सर लोगों को अपनी बढ़ती उम्र का एहसास नहीं होता। हम भी पापा जी से रोज मिलते हैं, दिन में 2-3, 5-6 बार, तो हमें भी नहीं होता। लेकिन सच तो ये है कि पापा जी पे बढ़ती उम्र का असर हो रहा है और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर माया, पापा जी एडमिट नहीं करने वाले कि वो बुढ़े हो रहे हैं। वो तो यही कहेंगे, अभी तो मैं जवान हूँ। ठीक है, तो अगर वो अड़ियल बच्चे की तरह बिहेव करेंगे तो हमें ही उनके पेरेंट्स बनके उन्हें सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता माया, मैं तो कहता हूँ रोज उनके टायर की हवा निकाल देते हैं। तुम आगे के टायर ले लेना, मैं पीछे के ले लूंगा। सुमित, हमें उनसे बात करनी होगी। हाँ हाँ, पापा जी से हम बात करेंगे ना। पापा जी, फिर से टायर फ्लैट हो गया? अरे टैक्सी बुलाओ भाई। हमें उन्हें समझाना होगा कि वो बच्चों को गाड़ी में लेके नहीं घूम सकते, बारिश में गाड़ी नहीं चला सकते और रात में भी। लगे हाथ कुछ और बातें भी समझा दे। 7 बजे के बाद टीवी नहीं देख सकते, चॉकलेट नहीं खा सकते और सिर्फ करेला खाओ, दिन भर करेला। तुम अपने बचपन की खुन्नस बाद में निकालना, पहले ड्राइविंग की बात कर लो। ओके ओके। लेकिन माया, मैं कह रहा हूं अगर पापा जी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं उनकी पॉकेट मनी बंद कर दूंगा। आलिया बेटा। पापा जी, पापा जी आप यहाँ पर भी पहुंच गए हैं। ओए हैंडसम, तुझे क्या हो गया? लाइसेंस वाले से पूछ ले। अबे कुछ नहीं हुआ मोनू, वो नए लाइसेंस की खुशी में ना मैं सोनू को ड्राइव पे ले गया। कार चलाते चलाते जरा सा ब्रेक लगाया और जरा सा ब्रेक है? अरे इन्हें सिग्नल क्या, बड़े बड़े ट्रक नहीं दिखते? पता नहीं कौन सी धुन में गाड़ी चलाते, और जब ट्रक दिखा भी ना तो तब जब ऑलमोस्ट उसके अंदर घुस गए थे। और फिर इतनी जोर से ब्रेक लगाया ना कि मेरा सर जाके सीधा विंडशील्ड में टकराया। अच्छा, इसलिए तू नाक पे लाल बत्ती लगाए घूम रहा है? बोलो मजाक मत कर, तेरे घर में बर्फ है? हाँ, फ्रिज से ले ले। दादाजी, हम कार्टून मूवी देखने जा रहे हैं ना? हाँ हाँ, जा रहे हैं बेटा, जा रहे हैं। तेरे को तो लेने आया हूँ मैं, चल आ जा बेटा, आ जा। पापा जी, मैं भी चलूं? तू तितली और परियों की फिल्म देखेगा? हाँ बस ऐसे ही, आज आज मूड बन गया। कमाल है, पर तेरे को तो ऐसी फिल्मों से एलर्जी है। हाँ लेकिन आप दोनों अकेले चलिए ना, आप दोनों के लिए भी कंपनी हो जाएगी ना। आलिया, तुम ना अंदर जाके रेनकोट, गम बूट, छतरी सब ले आओ, ठीक है? ओके पापा। सब ले आना। बारिश हो सकती है ना, और अगर हो गई तो हम फिसल जाएंगे, तो इसीलिए। तू फिक्र मत कर बेटा, वो सेफ रहेगी। ये ले, अब गाड़ी तू चलाइयो। पक्का? पक्का, लेकिन ध्यान से चलाइयो, बच्चों की सेफ्टी का सवाल है, समझा? वो क्या है ना बोलू, अब इस बब्बर शेर में वो फुर्ती नहीं रही, पंजे की पकड़ कमजोर हो गई है। शायद, पर बब्बर शेर अभी भी जंगल का राजा है। नो प्रॉब्लम पापा जी, गाड़ी मैं चला लूंगा। बढ़िया, चलिए दादाजी।
चल बेटा। और सुन हाँ। एक बात का ख्याल रखियो, नोट कर ले, पिक्चर से पहले और पिक्चर के बाद में एक चॉकलेट, इंटरवल में पॉपकॉर्न, समोसे, आइसक्रीम और चाय भी चाहिए। मुझे भी। डन। चल। लेकिन एक शर्त पे, गाड़ी में शोर नहीं मचाएंगे। ठीक है। चल। चलो। गाड़ी तक रेस लगाते हैं। अरे, अरे पापा जी, अरे पापा जी आलिया के साथ रेस मत लगाइए, मैं चॉकलेट नहीं दूंगा। Bum 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 b